अथ देव्या कवचम ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठुम छंद चामुंडा देवता अग्न्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्वंधु देवता अस्तव्यम श्री जगदम्बता प्रतीते सप्तति पाठेगे जवे विनियोगा। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की नौ मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथा मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ जाने पर, उनके ऊपर विपत्ति आने पर उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तपूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अद्भुत होता है। देवेश्वर, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐंद्री का वाहन एरावत हाथी है, वैष्णी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं, वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों शोभा युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। चक, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परश तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शाख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐंद्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नेत्र कोण में खंडधारी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाक कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से रक्षा करो और वैष्णवी, तुम नीचे की ओर से रक्षा करो। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जय आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजता और दक्षिण भाग में अवराजता रक्षा करें। उद्योतती शिखा की रक्षा करें। उमा
मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भावों का संरक्षण करें। भावों के मध्य भाग में तिनेत्रिया और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों के द्वारवासिनी रक्षा करें। कालका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठों में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठों में अमृत कला तथा जिहा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रक्षा करें। कामाक्षी ढोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधारी पृष्ठभाग अर्थात मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंड धारणी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों अस्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललता देवी हृदय में और शूलधारणी देवी उदर में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामनी लिंग की और महिष्वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों ठुड्डियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उर्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्र में कौवारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आद कमल केशों पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता है वो अवैध्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की आपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की सदा नारायणी देवी रक्षा करें। वाराही आयु की वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे ग्रोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पद की सुविता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतव रक्षा से रहित है वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यद अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य
जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय प्राप्त होती है। वो जिस भी अभीष्ट वस्तु का उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वो पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वो तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा तीनों लोकों में वो कहीं पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वो अल्प मृत्यु सहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। माकरी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि अस्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि से काटने पर चढ़ा हुआ जंगम विष, अग्निफे और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृतम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आज जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, माला कंठ आदि, डंकनी, शंकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डंकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कूष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष से को राजा से भी सम्मान मिलता है, वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमपद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार देवी का कवच संपूर्ण हुआ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।